चले नई दिशा नई उमंग के साथ आगे बढ़ते जाएं। मेरे देश की एकता मेरे देश की विशाल हमारे देश में चार सिपाही चारों कोने कोने खड़े हो जाएं तो बाहरी दुश्मन हमारे देश में मजाल नहीं कि आकर आतंक कर सकें। ये है हमारे देश की खूबसूरती हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की सबसे बड़ा लोकतंत्र की देश भारत। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आओ चले सावधानी पूर्वक से। यदि आप सड़कों पर हैं और गाड़ी मोटर आप चला रहे हैं तो आप एक दूसरे मानवता के जीवन को बचाएं। अपनी गाड़ी सड़क पर आप जाने से पहले सड़क पर है गली मोहल्ले में आप चल रहे हैं तो सावधानी पूर्वक से चलें। कहीं बालक तो इधर उधर नहीं टहल रहा है और उस चपेट में दुर्घटना तो नहीं हो सकता, इसलिए आप गति से न चलाएं और अपनी सावधानी जरूर बरतें। आपकी गाड़ी तेज गति से यदि चलती है तो कहीं ऐसे एक जीवन का रूपरेखा जो है दुर्घटना हो सकती है, इसलिए आप सभी से विनती है कि आप इधर उधर जो भी आप चल रहे हैं आप गाड़ी मोटर से मजाक न करें और आप सावधानी पूर्वक से चलाएं। आप उस बालक का जान बचा सकते हैं जो आए दिन दुर्घटनाएँ हो सकती है। इसे नियमों का आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें और चलते चलते आप बताना चाहता हूं कि आप हाईवे चल रहे हैं तो आप जो है सावधानी पूर्वक जैसे लिखा है वैसे ही आप चलिए। कहीं इधर उधर पुल है तो आप पुल के रास्ते से ही जाइए, अदरवाइज इधर उधर से आप अचानक मत मोड़िए अपनी गाड़ी को क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है और आए दिन ऐसा देखने को मिलता है। आपको सतर्क कर रहा हूँ कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आइए हम आपको ले चल रहे हैं राजेश गुप्ता जी के पास जो कि आपको संदेश दे रहे हैं कि इस तरह के सड़क दुर्घटनाएं आए दिन सालों में लाखों की संख्या में दुर्घटनाएं देखने को मिलती है, इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि आप गाड़ी मोटर चला रहे हैं सतर्कता पूर्वक से चलाएं और सावधानी बहुत ज़रूरी है अपने लिए परिवार और देश की भलाई के लिए। सबसे ज़्यादा आपका नियम काम करता है। तो आइए आपको रिपोर्टिंग दिखाते हैं राजेश गुप्ता जी के साथ। साथियों, आप सब लोगों को कई बार हम लोग जो है जागरूक करते रहे और कर रहे हैं और करते रहेंगे और किया भी है। हमारे भारतवर्ष में एक कहावत है जो आप सब लोग जानते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आप देख रहे होंगे कि पहले भी और अब भी हमारे जो बोरवेल हैं उन पर लोग जो है डीप होल करके देखते हैं कि पानी नहीं आया तो उसको बड़ी टेम्परेरीली ऊपर से बंद कर देते हैं। कभी कभी तो उसको भी नहीं करते और एक मानव के लिए ऐसा खतरा पैदा हो जाता है कर देते हैं जिसमें कि पूरा शासन प्रशासन स्थानीय लोग और जिनके लोग हैं वो सब लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। ऐसी चीज़ों के लिए अगर हम लोग सतर्क नहीं रहेंगे जागरूक नहीं रहेंगे तो ये कार्य कैसे चलेगा। इस छोटी छोटी गलतियों से चूकों से हम कितना विशाल एक जो है दुर्घटना का कारण बनाकर बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी नेशनल हाईवे पर एक बोर्ड लगा रहता है कि ये आगे स्कूल है, बच्चा बैग लेके जा रहा है, बोर्ड लगा हुआ है। हमारे वाहन चालक स्पीड उसको कम नहीं करते हैं, उनको उस बोर्ड से कोई मतलब नहीं है। बाय द वे कोई बच्चा अगर आ गया तो गाड़ी बैलेंस करते करते रोकते रोकते क्या हाल होगा, आप सब लोग पेपर में न्यूज़पेपर में घटनाओं को सुन ही रहे होंगे और ख़ास तौर से इन कोहरों में सर्दियों में जहाँ पर घनी आबादी है एकदम गांव लगे हुए हैं घर लगे हुए हैं वहाँ पर भी स्पीड कम नहीं करते हैं। अरे एवरेज से तो ज़्यादा महंगा उस व्यक्ति की जीवन है, उस व्यक्ति का वास्तव में एक जीवन का
पीछे जो परिवार है वो है, और अगर हमने अपने मन में ये संभाल लिया, ये बैठा लिया कि हमको सुरक्षित चल के सुरक्षित पहुंचना है, तो कोई कारण नहीं कि आप जो है जीरो एक्सीडेंट को फॉलो करते हुए मानते हुए आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं कि आपकी तेज़ी से चलने से आप जो है कोई चीज़ को हासिल करके आगे बढ़ जाएंगे, इसमें हरदम खतरा ही बना रहता है, चाहे वो मानव का खतरा हो, चाहे वो हमारी गाड़ी के मैकेनिकल पार्ट का खतरा हो, चाहे हमारे ड्राइवर का फैटीक हो, चाहे हमारे आसपास के लोगों के कारण कोई ऑल ऑफ सडन कोई अपेरेंस हो जाए। कहने का मतलब यह है, जागरूकता का मतलब यह है कि आपको सड़क पर, रोड पर, बिजली के खंभे पर, ये सब बड़ा सतर्क रहना है। लोग बाग गाँव में हाई टेंशन लाइन में पोलों पे भैंस बांध देते हैं, गाय बांध देते हैं, बकरी बांध देते हैं, खूंटा की क्या ज़रूरत, वो तो सरकार ने दे रखे हैं पाइप और पोल, उनमें कभी करंट उतर आया घटना हो जाती है, विभाग को जो है दोषी ठहरा देते हैं। कहाँ तक ये उचित है? आप लोगों से मेरी विनती है कि जाग जाइए, अब भारतवर्ष को आगे बढ़ने दीजिए, इन छोटी छोटी हमारी गलतियों को लेकर इसको पीछे ना खींचिए, और हर सेक्टर में हर क्षेत्र में जागरूक बनिए। नहीं मालूम तो उसके लिए लोगों से विशेषज्ञों से पूछिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मगर इस तरह के कार्य करने से हमारे पूरे प्रशासन को, पूरे शासन को बहुत ही एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, जो कि हमारे विकास में एक बाधक भी बन के आता है। इस समय आपने देखा होगा कि जो घटना हुई है महोबा में, वहाँ पर NDRF भी लगी है, SDRF भी लगी है, फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन और इंजीनियर्स, कहाँ कहाँ के एक्सपर्ट, तो ये सब क्या है? ये हमारी छोटी सी चूक का कारण है, और अगर इसी को हम वास्तव में एक अहम मुद्दा मान के चलें, सीरियस लें, तो ये घटनाएं कभी नहीं होंगी। हमें हर चीज़ को ले कर चलना है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि मानव जीवन को बचाना है, आगे कोई कार्य करना है। अगर मानव ही नहीं है तो हमारा खेत भी बेकार, हमारा मकान भी बेकार, हमारी हर चीज़ बेकार। इसलिए मानव नंबर एक पर है, और उसी को नंबर एक पर रखने की कोशिश कीजिए। आइए हम सब लोग शपथ लें कि जहाँ कहीं भी आपको ऐसा कोई कार्य दिखता है जो हमारे मानव के लिए, हमारे जीवन के लिए खतरा में है, वहाँ पर आप आगे चल के कोई भी थाना, पुलिस स्टेशन या कोई भी इस तरह की जो हमारी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, टूल प्लाजा वगैरह, वहाँ कम से कम शिकायत पुस्तिका पर ये बात लिख दीजिए, जिससे कि आने वाले समय में जो भी अधिकारी निरीक्षण पर निकलेगा, एक बार तो निगाह जरूर डालेगा कि इस तरह की बात सामने आई है। और ये सबकी ड्यूटी है, केवल गाड़ी से निकल जाना और अपनी जगह पहुंच जाना ही कार्य नहीं है, आसपास भी नज़र डालकर इस सब चीज़ को देखकर चलना है। चाहे वो पुल हो, चाहे वो रेलवे के पुल हों, चाहे वो सड़क के पुल हों, उनका भी बंदोबस्त अच्छा होना चाहिए, नहीं तो जो है सर्दियों में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, जो बाद में हमें जो है यह एहसास कराती हैं कि अगर पहले ऐसा हो जाता तो हम इसको बचा ले जाते। आइए सब लोग पुनः इस पर ध्यान देकर इस पर कार्य करें। राजेश गुप्ता, ACC स्टाफ स्टेट चीफ, बेस्ट ऑफ, जय हिंद, जय भारत।